नमस्कार, सिटी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने की समीक्षा, जिसमें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 15 मामलों में 1,44,00,000 का माल जब्त करने की जानकारी सामने आई। जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंध खाद्य पदार्थ कार्रवाई के तहत अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 15 मामलों में 13,329 किलो का माल खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 1,44,80,227 रुपए है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला अधिकारी विनय गौड़ा की अध्यक्षता में हुई। इस समय अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर महादेव चिंचोले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कटरे, जिला मौखिक कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संदीप पिपरे, डॉक्टर श्वेता सावलीकर, डॉक्टर वनिता गर्गेलवार, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक निकिता ठाकरे आदि उपस्थित थे। इस समय जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने कहा कि तंबाकू के रोकथाम के उपायों से संबंध में जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है। इस संबंध में स्कूलों से जानकारी ले और उनके परिसरात में तंबाकू की कोई दुकान नहीं है, इस संबंध में हामी पत्र ले। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों में भी तंबाकू की रोकथाम के लिए भरारी पथक का गठन किया जाए। इस समय राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाना, जिले में कोटपा कानून प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा, पुलिस खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा, जिले के स्कूल को तंबाकू मुक्त बनाना, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने आदि की चर्चा की।